कि आपको जैसे यहाँ देखिए ये हो गया आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका निकल कर क्या आएगा, डाउनलोड किसको करना है। जैसे आप हाँ, जैसे आप यहाँ पे देखिए कह रहा है ना यहाँ पे कि फाइनल एडमिट कार्ड ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हायर सेकेंडरी लेवल लैंग्वेज एग्जाम 2024। तो जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा ना, जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा तो दिक्कत परेशानी कहाँ, 2023 के लिए है और ये 2024 के लिए है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कॉलेज, ठीक है ना, कॉलेज खुद से अप्लाई कर सकता है और खुद से फॉर्म फिल कर सकता है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, जैसे 2024-2023 तो देना ही नहीं है एग्जाम, 2024 में देना है। तो ये बफरिंग करेगा, तो करके भी बात किए कल, ठीक है ना, और बोले थे कि सर इस पर वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए स्कूल लॉगिन, बात को ध्यान से समझिएगा, स्कूल लॉगिन बाबू आप लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए यूजर आईडी तो आप डाल सकते हैं, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, लेकिन ओटीपी फिर कहाँ गिरेगा, तो कॉलेज के आपके संस्थान में गिरेगा। तो आपको ज्यादा परेशान होने नहीं है, आप बेहिचक जाकर के आप खुद से अपने संस्थान में ही जाकर के क्या कर सकते हैं कि अपना वहां से एडमिट कार्ड ले सकते हैं। तो एडमिट कार्ड ले लीजिए, क्योंकि 2 और 3 को एडमिट मतलब आपका एग्जाम डेट दे चुका है। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 तारीख को 2 शिफ्ट में एग्जाम है, 9:30 से लेकर के 1 शिफ्ट चलेगा। और उसमें लेट बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि पहले जो था ना पिछले बार में सेशन में जो जितने आपके सीनियर भी थे तो उन लोगों का एग्जाम भी छूटा था। तो बहुत सारे कॉल मैसेजेस किए थे कि सर लेट हो गया, सर क्लास छूट गया, नहीं जाने दे रहा है। तो बहुत सारा एक्टिविटी है यहाँ पे। तो आपको हम बता दें कि आपको कुछ नहीं करना है, आप बेहिचक जाकर के कॉलेज में संस्थान में आप ले लीजिए और आप 1 घंटा या 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा। और यह सेंटर जो मार्किंग किया है, हम आपको बता दें कि सेंटर जैसे क्या सूचना पे जाइएगा तो सेंटर ये मार्किंग जो किया है उसमें मार्किंग किया है क्या कि प्रमंडलीय स्तर पर देगा। तो आपका जो प्रमंडल जिस प्रमंडल में आप आते हैं वहां पे आपका सेंटर देगा। जैसे मोतिहारी से है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपको मुजफ्फरपुर में दे दे, ठीक है ना, कि तिरहुत का अलग देता है तो मुजफ्फरपुर में एक सेंटर बनाया है। तो मैक्सिमम जगह का जो भी है मुजफ्फरपुर में ही पड़ जाता है उसके आसपास का। तो लैंग्वेज पेपर जो भी है, जो प्लस टू के इक्विवेलेंट चाहते हैं, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि प्लस टू के इक्विवेलेंट जो चाहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए बेस्ट है, ठीक है ना, वो आसानी से आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और प्लस टू के लिए आपका सर्टिफिकेट जो चाहिए, ठीक है ना, आप बिल्कुल, ठीक है ना, आप बिल्कुल बेहिचक, ठीक है ना, निश्चित होकर के, ठीक है ना, इक्विवेलेंट, ठीक है ना, साइंस के बराबर यदि आप सर्टिफिकेट चाहिए तो आप लैंग्वेज पेपर पे जरूर बैठिए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है ना। तो हम आपको बता दें कि यदि आपके आसपास में कोई ऐसा छात्र है जो एग्जाम दे चुका है, आप उनसे संपर्क कीजिए और उनसे आप पता कीजिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एमसीक्यू है कि अलग है। तो हम आपको बता दें क्या कि ये सिलेबस जो बिहार बोर्ड का जो आप हिंदी इंग्लिश का जो सिलेबस है बिल्कुल वही रहेगा, वही हिंदी रहेगा, वही इंग्लिश रहेगा, वही सिविलाइजेशन, वही भारत इज माई होम, वही सारा चीज देखने को मिलेगा जो आपको मतलब आईटीआई में देखने को मिलेगा। तो बस इसको सिर्फ लैंग्वेज पेपर दे करके आप यहाँ क्वालिफाई हो जाते हैं, आपके सर्टिफिकेट में 4 चांद लग जाएगा और आप ट्वेल्थ के को भेज हो जाइएगा और डायरेक्ट आप जाकर के एडमिशन। और ये भी बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर इसका प्रमाण कहाँ है कि हम ऑनर्स करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं तो एडमिशन हो जाएगा। तो इग्नू ने भी एक लेटर जारी किया था, बिहार यूनिवर्सिटी ने भी एक लेटर जारी किया था, तो उसके अगेंस्ट मतलब उसके अनुरूप आप एडमिशन करवा सकते हैं ऑनर्स में, ठीक है ना। तो किसी भी स्ट्रीम में आप करवा सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही एडवांटेज है, बेनिफिशियली है आपके लिए, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल आप जुड़िए और जाकर के एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। और हो सकता है कि